प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से रफाल के मुद्दे पे सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा रोजगार खोज रहे हैं और प्रधानमंत्री जी अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, पता चला ये अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। ये फिर से हुआ है कि राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री पे अटैक किया है। वो रफाल के मुद्दे पे लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री पे खुद आगे आके अटैक कर रहे हैं। बीजेपी का ये मानना है और यही बीजेपी का मानना कुछ समय से रहा है कि प्रधानमंत्री पे अटैक करना, प्रधानमंत्री को सीधा इस तरह के उन पे आरोप लगाने से कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचेगा। पहले भी हम बता चुके हैं किस तरह से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को चोर कहा था अपनी सोशल मीडिया के जरिए। उसमें भी बीजेपी की यही सोच थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी निजी क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल है, वो इतनी हाई है आज की तारीख में भी कि कांग्रेस अगर उन पे अटैक करेगी तो कांग्रेस को ही आगे जाके नुकसान पहुंचा सकती है। भाजपा ने यह तय किया है कि वो इस तरह के अटैक जो कि प्रधानमंत्री पे डायरेक्ट हो रहे हैं उसको वो कांग्रेस को डायरेक्टली ऐसे रिस्पॉन्ड करके नहीं बल्कि अपनी रैलीज के थ्रू, चुनावी रैलीज के थ्रू इनका वो इस्तेमाल करेगी। प्रधानमंत्री अपनी रैलीज में जा जाके ये बोलेंगे कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जो कि वो हमेशा कहते हैं नामदार है, डायनेस्ट है, बड़ी फैमिली से आए हैं, वो एक कामदार प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं, कामदार प्रधानमंत्री को भ्रष्ट कह रहे हैं और इसी के ज़रिए वो लोगों की सिंपथी और लोगों के वोट्स बटोरने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, साल के अंत में 5 राज्यों में अगले साल लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस का प्रधानमंत्री को ही डायरेक्टली ये सब कहना, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष का खुद प्रधानमंत्री को ये कहना, भाजपा को लगता है कि उन्हें एक नया एम्यूनिशन मिल गया है और प्रधानमंत्री को रैलीज में जाके कुछ बोलने का फिर से एक एम्यूनिशन मिल गया है। पहले भी आपको पता है जिस तरह से उनको चाय वाला बोला गया था, मणिशंकर अय्यर ने बोला था, या नीच आदमी बोला गया था, वो सब प्रधानमंत्री ने ऐसे ही यूज किया, अपनी जाति और अपने गरीब अपब्रिंगिंग का उन्होंने यूज़ करके बोला कि वो क्योंकि ऐसे अपब्रिंगिंग से आए, क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, इसीलिए कांग्रेस उन्हें इस तरह से अटैक करती है और अभी भी वो इसी तरह से इस बात को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। द प्रिंट के लिए रूही तिवारी।